तो देखिए दोस्तों, आज जो मौसम है ना, मौसम आज ये बना है। अब आप खुद ही देख लो। और मैं सुबह उठी हूँ, सुबह का व्यू है अभी, और ठंड हो गई है तो मैंने डाल लिया स्वेटर ऊपर से। भाभी की स्वेटर डाल ली मैंने, क्योंकि ठंड जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है वैसे। और आप मौसम का लुत्फ उठाइए, आपको भी अच्छा लग रहा होगा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उस वाली तरफ को ना बहुत बारिश भी हो रही है, मतलब वैसे तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उस तरफ को जैसे ग्रीनरी है ना, तो पता चल रहा है कि वहाँ पे जो है बारिश हो रही है। हल्की हल्की सी रिमझिम रिमझिम सी बूंदे बरस रही है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और आप इंजॉय कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। ये देखो, इस तरफ को है घना जंगल, इस तरफ को ये वाला व्यू, और इस तरफ को ये देखो। तो दिन की शुरुआत कर दी है हमने एक अच्छी वाली पॉजिटिव सी एनर्जी के साथ। सच में जब भी हम मतलब नेचर को देखते ना, तो एक इतना अच्छा वाला फील होता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है और अच्छा वाला फील होता है ना। क्योंकि वैसे तो मुझे क्या, वैसे सब कोई ग्रीनरी जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इस ग्रीनरी का थैंक यू, जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है उन सबका थैंक यू, क्योंकि उन सबको फील करके मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं हर उस चीज़ का थैंक यू कर रही हूँ अभी, और शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये सब, है ना। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से बादल ना नीचे आ गया इन पहाड़ियों पे। और इस तरफ को स्पैरोस देखो, तारों पे बैठी है, ये वेट कर रही है कि हमें कब जैसे खाना मिले, कब जैसे हम खाना खाएं। और ये देखो नीचे लोगों के खेत भी है। ओ, चिड़िया मेरे पैर पे बैठ गई थी अभी आके, ये देखिए मज़ा आ रहा है। मेरा मन पता है क्या कर रहा है अभी, मेरा मन ये कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ, उधर उन पहाड़ियों पे, कि वहाँ जाके एक प्यारा सा वीडियो शूट करूँ। पर मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। पर ऐसे मेरे मन में ऐसे आई है एक होप कि मुझे वहाँ जाना है और वहाँ पे एक अच्छा सा वीडियो बनाना है, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और देखो मेरे साथ स्पैरो भी है यहाँ पे, देखो ये मुझसे खाना मांग रही है कि जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो जल्दी से। क्योंकि ये जो चिड़िया है ना, ये डेली आती है, इसको हम खाना देते हैं, अभी भी दूंगी मैं इसको खाना। खिलौना लाया, रोना सुन के भैया आया, साथ में अपने खिलौना लाया, दीदी को पसंद ना आया। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ, और यहाँ पे है ठंड। मैंने बाल धो दिए हैं आज, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से गंदे लग रहे थे मुझे, इसलिए मैंने अपने बालों को वॉश कर दिया है। अब मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और बाहर चल के देख लेते हैं पहले कि क्या है। यार बाहर का मौसम तो देख लो आप खुद ही, ठंड है मतलब आज तो। ठंड भी है, मज़ा भी आ रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे। चलिए अब ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकेंगे, क्योंकि बाहर लग रही है ठंड मुझे, इसलिए चल पड़ते हैं हम अंदर की तरफ को। तो मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है आलू का पराठा। ये रहा मेरा आलू का पराठा, भाभी ने बनाया है आलू का पराठा, और साथ में है बटर, अमूल का बटर है ये। वैसे मैं कभी ये वाला बटर खाती नहीं हूँ, मुझे घर वाला जो होता है ना मक्खन, मुझे वो वाला ज़्यादा पसंद है। पर यहाँ तो बाहर तो हमें इसी से काम चलाना पड़ता है।
अभी जो मौसम है ना वो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो इस मौसम में गरम गरम पराठा आलू का वो भी मजा आ जाता है खा के ना। और वैसे तो मैं तो बहुत ज्यादा फूडी हूँ, वैसे भी आपको पता ही होगा। बाहर ना देखो, ये है विंडो से दिख रहा है ये वाला भी। बाहर जो मौसम है वो काफी बारिश वाला हो रहा है, होने वाली है, बारिश हो जाएगी थोड़ी देर में। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मैं आगे का जो भी होगा मैं सबको शेयर करूंगी, पर मैंने सबसे पहले तो चाय बनानी है और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। पूरा दिन ने यार मजे से एंजॉय करना है बस, और कुछ काम नहीं मेरे को इधर। तो ये रही मेरी चाय, और मेरी चाय आ चुकी है और मैं चाय भी लेती हूँ सबसे पहले। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी प्यारी सिनूर, ये चढ़ रही है विंडो के ऊपर, ये जाना चाहती है बाहर, क्योंकि ये भी नेचर लवर है, इसको भी ग्रीनरी जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और देखो ये कैसे जो है ना विंडो के ऊपर चढ़ रही है, देखो ज़रा इसके हाल। ये हमेशा ना यहीं पे विंडो के पास खड़ी रहती है, इसको अच्छा लगता है बाहर देखना। Yeah.